₹500 का चेक और ₹500 की करेंसी नोट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को ही ट्रांजैक्शन मनी यही बोला जाता है। इकोनॉमिक टर्म्स में उसको नैरो मनी भी बोलते हैं, M1। लेकिन ये दूसरा पैसा जो बनाना होता है, इसके लिए आदमी की बैंक अकाउंट होनी जरूरी है, उसके बैंक में साख होनी जरूरी है, क्रेडिट होना जरूरी है, तभी वो मान लेगी बैंक में मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं खुद का, इसके लिए मेरा बैंक में अकाउंट होना और मेरी साख होना जरूरी होता है, इसीलिए इसको क्रेडिट मनी या बैंक मनी भी बोलते हैं। पहला पैसा सरकार जो बनाती है वो पावर मनी होती है, जिसको हाई पावर्ड मनी होता है, और दूसरा पैसा जब हम सब आम लोग बना सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से बनाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बनाए, ये साख के ऊपर होती है, इसके लिए बैंक का होना बहुत जरूरी होता है। और यही हमारी एक गलती यहां होती है, हम में से सब पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी मात्रा में हम सरकार का पैसा यूज करते हैं, करेंसी नोट, खुद का पैसा हम तैयार नहीं करते हैं। ये जो करेंसी नोट होती है ये हाई पावर्ड होती है, इसके बाद और एक उसके साथ अवगुण भी होती है। ये करेंसी नोट नॉन ट्रेसेबल होती है, एक बार उसने हाथ बदल दिया तो कौन किसके लिए किसने पैसा दिया कभी समझ में नहीं आएगा। मेरी 500 की नोट अगर इनके जेब में चली गई तो ये किस लिए आई, कहां से आई, कोई इसका पता नहीं लगेगा, ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो सकता है, होता है। अगर मेरे अकाउंट से मैंने किसी को चेक दिया तो कौन से अकाउंट से गया, कब गया, कैसे गया, ये पूरा रिकॉर्ड बनता है। बैंक मनी ट्रेसेबल होता है। 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पे अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक, ट्विन टावर गिर गए। उसी साल हमारे पार्लियामेंट पे भी अटैक हो गया। 2001 के बाद भारत में, अमेरिका में दूसरा अटैक नहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक, भारत में तो अभी अभी मुंबई ब्लास्ट तो अभी चल ही रहे, अमेरिका ने सिर्फ एक कर दिया। 2000 के बाद जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके बैंक अकाउंट उन्होंने सीज कर दिए, सील कर दिए। अभी उनके पास विटामिन एम है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं है। अमेरिका, यूरोप, सभी जगह आपको मालूम है 90% 95% तक तो आपको थ्रू बैंक ही जाना पड़ता है, और हमारे देश में तो करेंसी नोट पे ही सब चलता रहता है। एक करेंसी नोट छपवाने के लिए अपने देश को आज 39 रुपया खर्चा आता है, 39 रुपया, उसपे इंडोर्स कुछ भी कीजिए, 50, 500, 1000 कुछ भी कीजिए, वही खर्चा शायद थोड़ा सा कम ज्यादा होगा पाकिस्तान के लिए, उतने में वो हमारी 500 और 1000 रुपए की हमारी इकोनॉमी खलास करती है नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन से। ये हाई पावर्ड मनी जब इंडिया में आता है सभी जगह घूमने लगता है, उससे सब कुछ परचेस किया जा सकता है, पॉलिटिशियन को, हमारे पुलिस व्यवस्था को, हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारे शिक्षण व्यवस्था को, नॉन ट्रेसेबल, उसको चैलेंज भी नहीं दे सकते। हाई पावर्ड मनी किसको समझता है, ये नोट जेन्युइन है नहीं है। पाकिस्तान भी उसी से परचेस करता है पेपर जिससे हम पेपर परचेस करते हैं, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी ग्लोबली ओपन है। आज बैंक मनी और क्रेडिट मनी में जो फर्क हो रहा है, आज पूरी यूके, इंग्लैंड कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की सोच रही है, टेररिस्ट के अरेस्ट करने के लिए कि आपको विटामिन एम नहीं मिले। अगर दुनिया में कोई भी चीज बंदी है तो उसके लिए दो चीज की जरूरत होती है, मोटिव्स और मींस। मोटिव यानी आपके मन में हेतु होना चाहिए, और वो मोटिव्स जो आते हैं वो नीति से आते हैं, मोटिव्स जो आते हैं वो अर्थ से आते हैं, मींस आते वो अर्थ से आते हैं। किसी ने मोटिव्स करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, अमेरिका ने मोटिव्स करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मींस को अरेस्ट किया। और हम लोग सोचते हर बार कि वो मोटिव को बदलना पड़ेगा, हमें मींस को करेक्ट करना पड़ेगा। मोटिव्स के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है, मोरालिटी में तो हम फिलोसॉफी में दुनिया को फिलोसॉफी देते हैं। अमेरिका और भारत दोनों में अलग फर्क है, दोनों का पेट बहुत दुखता है, बहुत दर्द है दोनों के पेट में, लेकिन वजह 180 डिग्री में अलग है। एक का बहुत ज्यादा खाने से दुखता है, दूसरे का न खाने की वजह से दुखता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, पैसा इतना अहम हो गया और वो पैसा नहीं बन रहा है तो हमारे लिए क्या होगा, हम पैसे को कैसा बनाएंगे, बैंक से कैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे, ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे। और जैसे बाबा जी जो बात करते हैं कि 50 की करेंसी नोट क्यों नहीं चाहिए ऊपर,
39 रुपए के खर्चे में अगर पाकिस्तान को 50 की नोट बनानी है तो परवड़ेगी नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 11 रुपए लगेंगे, बैंक्रप्ट हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन 39 रुपए में 500 और 1000 की अगर ये काउंटरफिट करेंसी बनी ना, तो कितना प्रीमियम है ये। कोई भी करप्शन का बेसिक टूल क्या है? हम में से इतने बड़े व्यापारी है, बड़े बिजनेसमैन है, हम रिश्वत किस में देते हैं? कभी चेक से दे सकते? दाऊद ने कर मेरे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा, मुझे 2 लाख रुपए की रैंसम चाहिए, फिरौती चाहिए। मैं इतना ही पूछूंगा, मेरे पास करेंसी नहीं है, बोल कौन से दाम पे चेक दे दूं। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में एक तरफ जा रहे हैं कि ये सभी अर्थशास्त्रियों का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आम आदमी का, ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। हम ट्रेसेबल नहीं बना पा रहे हैं हमारे अकाउंटेंट अकाउंट्स को। आज जो सुरेश कलमाड़ी जो अंदर गए हैं, वो अभी तक सिर्फ 300-350 करोड़ की इसमें जो ट्रेसेबल हुए है ट्रांजैक्शन, लेकिन हमें मालूम है कि वो फिगर कितनी बड़ी है। हमें उनकी ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है करप्शन की इसमें, और कानून तो वो चाहता है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बैंक की तरफ जाना पड़ेगा कैश से निकाल के, और वो कैसा होता है, वो क्या